आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. आज का टॉपिक है डबल इंटीग्रल. में ही हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीवेरिएबल एंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डबल इंटीग्रल. डबल इंटीग्रल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब फाइंड एरिया बाय डबल इंटीग्रल. ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे डबल इंटीग्रल की मदद से. तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा ही था कि इंटीग्रेशन की मदद से किसी भी एरिया का, एरिया ऑफ रीजन का, हम लोग कर्व ऑफ रीजन ऑफ कर्व का हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम लोग एरिया ही निकालने जा रहे हैं. किसका, किसी भी कर्व को लेंगे हम लोग अभी. चलिए बुक से ही कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग. बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया हमारा पैराबोला. अब बोला इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो निकाल दो. इनके बीच का एरिया ये है. ठीक, यहां तो 0.00 रहता है. ठीक है, ये जो कर्व है वो है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ठीक, और ये जो कर्व है वो आपका क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं.
हैं ये एक्स वाई बनाया हमने पहले वाले, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए बना दूंगा मैं। तो इसके लिए एक्स की वैल्यू मैं रखती हूँ, पैराबोला का एंडिंग पॉइंट क्या है ये हमें जानना है, ठीक है। तो जीरो टू इनफाइनाइट ले सकते हैं हम, लेकिन हाँ यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए भी ले सकते हैं हम। देखिए एक्स इज इक्वल टू इसमें जीरो रख दीजिए, यदि तो वाई इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक। और यदि मैं एक्स इज इक्वल टू यहाँ ए रखती हूँ तो कितना आ जा रहा है, फोर ए स्क्वायर ए रखा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया फोर ए स्क्वायर, और यदि मैं वाई निकालती हूँ तो वो आ गया टू, ठीक है। क्या रखने पे, ए रखने पे ये टू ए आ गया, ठीक। तो यदि मैं ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, तो मैं y पे बना रही हूँ, तो y देखो ये जीरो है, ये x है, ये y है, x की वैल्यू जब मैंने जीरो लिया तो y की वैल्यू भी जीरो थी, फिर x इज इक्वल टू जब मैंने a लिया तो मान लो ये a है, ये 2a है, यहाँ भी ये a है, ये 2a है, तो जब मैं a ले रही हूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है 2a, तो मैं ऐसे आ रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, y का इज इक्वल टू 4ax का हो गया, ठीक। उसी तरीके से जब मैं x स्क्वायर के टर्म्स निकालती हूँ तो उसके वैल्यूज किस पे डिपेंड करेंगे, y पे। तो पहले मैं y जीरो करती हूँ तो ये भी जीरो हो जाता है, y a करती हूँ तो ये कितना हो जाता है, 2a हो जाता है, तो फिर मैं इसका भी बना लेती हूँ। अब देखो x क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जीरो, ठीक है, तो y भी जो हो जा रहा है जीरो, दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। उसके बाद में जब मैं x की वैल्यू क्या ले रही हूँ, a, सॉरी y क्या ले रही हूँ, a ले रही हूँ, तो वो क्या आ रहा है, ये 2a आ रहा है, ये 2a, ठीक। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, एक पॉइंट तो हो गया ये, और 2a और a के लिए हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक। तो इस तरीके से कुछ मिलेगा, यहां से ऐसे लेंगे ये, अब ये यहां कट होगा, मतलब ये वाला जगह वो क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक। अब ये रीजन हमको निकालना, चल इन पॉइंट्स को हटा देती हूँ मैं अभी, ये तो हम सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं पॉइंट्स, तो मैंने हटा लिया। अब मैं ग्राफ को इधर अच्छे से बना लेती हूँ, हमारा ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, एक हो रहा है ये, ठीक, और एक ग्राफ बन रहा है हमारा यहाँ, ठीक है। ये वाला ग्राफ है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये ग्राफ है हमारा ये वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस रीजन में हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। चलिए फाइंड करते हैं, और बता दू यहां पर जो है इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, 4a 4a होती है, ठीक। इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, 4a 4a। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले, एरिया का फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रल a dx dy। अब इस एरिया में हमको क्या करना है, हमको इंटरवल्स जानने हैं, इंटरवल्स यहाँ x के इंटरवल्स जानने हैं और y के इंटरवल्स जानने हैं हमको। तो इंटरवल्स कैसे लेना है ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो हम x के इंटरवल्स देख लेते हैं, x इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है। हाँ, और एक चीज, चलिए पहले तो x कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है x, और कहां तक जा रहा है, 4a तक जा रहा है, क्योंकि वैल्यू देख लो 4a मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू 4a, x कहां तक जा रहा है, 4a तक जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं y की, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रिप लेंगे,
ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप लिया। अब यहां इस पॉइंट पे हमको y की वैल्यू लिखनी, तो उस पॉइंट पे y की वैल्यू होगी हमारी हाँ इसका फॉर्मूला लिखेगा इससे। देखो मिनिमम कब हो रहा है, y इस टर्म में हो रहा है, ठीक है, तो यहां से हम लोग y निकाल लेते हैं। y इक्वल टू कितना निकलेगा यहां से, टू रूट एक्स निकलेगा, ठीक। और दूसरी वैल्यू कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर फोर ए वाई, ठीक। तो एक्स स्क्वायर से y की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए, ठीक। तो बड़ा कौन है, टू रूट एक्स, मतलब मिनिमम क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए है। तो अपनी y की वैल्यू जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए से टू रूट एक्स तक जाएगी, ठीक। ये हो गया। अब एरिया निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ तो कुछ है y के स्क्वायर में जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा हमारा जीरो टू फोर ए y आएगा, लिमिट लग जाएगा टू रूट ए एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए, ठीक। एरिया निकाल रहे हैं हम। अब यहाँ a इक्वल टू आते हैं तो वो हो जाएगा जीरो टू फोर ए, जब लिमिट रखेंगे तो ये आएगा फोर ए टू रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर डी एक्स डीएक्स, ठीक। अब यहां देखो जीरो टू फोर ए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एट रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन फोर ए को कॉमन ले लेते हैं। अब जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या आएगा, इसको अलग अलग कर दो, वन अपॉन फोर ए जीरो टू फोर ए, यहां रख देते हैं एट रूट ए एक्स माइनस यहां रख देते हैं जीरो टू फोर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉल्व करते हैं वन अपॉन फोर ए यहां से एट कॉमन निकल गया तो ये हो जाएगा टू अपॉन टू रूट ए कॉमन निकल जाएगा और नीचे का फोर ए ये रूट एक्स हो जाता है एक्स टू दावर वन बाई टू, ठीक है। तो एक्स टू दावर वन बाई टू को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू वन थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू जीरो टू फोर ए माइनस, फिर यहां आते हैं तो जीरो टू फोर ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर से रखा जीरो टू फोर ए, सॉल्व करते हैं सॉल्व करने पे ये आ रहा है ए इज इक्वल टू टू रूट ए को ये लिखिए एक सेकेंड ये फोर तो हट जाएगा, ये जो ए है उसको मैं रूट ए इंटू रूट ए लिख सकती हूँ, ठीक। फिर यहां जाती हूं मैं तो फोर ए जब मैं रखूंगी एक्स की जगह पे तो वो हो जाएगा फोर ए पावर थ्री बाई, देखो यहां तक हो गया था हमने वैल्यू रखी है यहां पर, ठीक है, रूट इंटरवल्स को रख लिया है, इंटरवल्स रखने के बाद में ए क्या आ रहा है हमारा फोर रूट ए इंटू, अब यहां पर कितना है फोर ए है, अब ये देखो फोर रूट ए, और यदि मैं यहां पर देख लू तो इस फोर को मैं क्या लिख सकती हूँ टू का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ एक इसको अलग अलग कर देते हैं, फोर फोर टू का स्क्वायर लिख दिया मैंने इंटू थ्री बाई टू लिख दिया, और एक रूट जो था रूट ए इंटू थ्री बाई टू उसको मैं इसके साथ मर्ज कर रही हूँ थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू, ठीक। फिर यहां जो है फोर ए हो जाएगा चार चौक सोलह चौक चौसठ चौसठ ए क्यूब हो जाएगा अपॉन थ्री, ठीक। अब यहां मैं आती हूँ फोर रूट ए की पावर थ्री बाई टू प्लस वन करती हूँ तो कितना हो जा रहा है फाइव बाई टू हो जा रहा है, यहां पर
क्यूब कितना होगा? 8 होगा, ठीक। 8 इंटू 4 कितने होंगे? 32। तो ये हो गया 32 इंटू रूट 8 रूट 8। उसके बाद में ये क्या है, रूट 3 बाई 2 बचा है यहाँ पर, ए 3 बाई 2 बचा है, सॉरी ए 3 बाई 2 बचा है, माइनस अपना होगा ये ए 3 बाई 2 था, माइनस 64 ए क्यूब बचा है, ठीक। तो अपॉन 3, अब मैं यहां से क्या कॉमन है, हमारा 32 कॉमन है, हाँ 32 कॉमन है, 32 कॉमन निकाल लिया। अब इस a को हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, a 1 by 2 है, तो a पावर 1 by 2 लिख लिया। 1 by 2 plus 3 by 2 कितना होगा, a to the power 2 a square हो जाएगा। ये देखो 1 by 2 plus 3 by 2 क्या हमने, तो ये हो गया 4 by 2, मतलब 2 का square, a का square, ठीक। यहाँ और कुछ है? नहीं है। यहां अपॉन में ए है, ठीक। तो यहां कुछ गड़बड़ हो गई है, यहां देखो अपॉन में कितना है, 12 ए है, तो 12 ए है यदि, तो यहां का कितना होगा इसका एल, ये अलग अलग रहेगा, ये अपॉन 3 है और ए है 12 ए, ठीक। अब ये अलग अलग है, तो ये हुआ अपॉन 3 और ये हुआ 12 ए हुआ। यहाँ देखो 12 24 बार किया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 होता है, नहीं कट रहा है, तो कितना आएगा, 4 से काट दो, 3 टाइम में चले जा रहे हैं, ये 16 टाइम में चला जा रहा है, ठीक है। फिर ए कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा कितना, 16 ए स्क्वायर, ठीक, अपॉन 3, और यहाँ पर भी 32 ए की पावर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया, 32 ए स्क्वायर हो गया, 53 कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन है, मतलब एलसीएम 3 है दोनों का, तो ये हो जाएगा 32 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर, तो कितना आया हमारा, 32 में 16 जाएगा, 16 ए स्क्वायर बाय 3, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमको कि उन दोनों का एरिया क्या आ रहा है, 16 ए स्क्वायर आ रहा है, 16 बाई 3 ए स्क्वायर आ रहा है, तो हमने प्रूफ कर दिया यहां पर कि 16 बाई